अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी यू शो लेक्चर फ्रॉम हाफिज़ ज़फ़र। कैसे सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप खुश रखें और हिफ्ज़ो ईमान में रखें। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मैं इंग्लिश 301 के लेक्चर्स की वीडियो बना रही हूँ और फर्स्ट टू लेक्चर्स की वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ। होप्स हो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, आपको समझ भी आ गई होगी। तो आज मैं आपके साथ इंग्लिश 301 का लेसन नंबर 4 जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने जा रही हूँ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपना जो है लेसन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिस कम्युनिकेशन। प्रोसेस होता है कोई अमल, कम्युनिकेशन मुआसलात, एंड मिस कम्युनिकेशन इसका मतलब होगा कि गलत मुआसलात। ठीक है, इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि मुआसलात और गलत मुआसलात का अमल। तो इसकी जो आउटलाइन है हमारे पास वो ये हैं, कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट कम्युनिकेशन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं वो नीचे बताए हुए हैं। सेंडर, जिसे इनकोडर भी बोलते हैं, मैसेज, मीडियम चैनल, मीडियम या चैनल जिसे कहते हैं। इनमें दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, कौन कौन सी? ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद है रिसीवर, जिसे डिकोडर भी कहते हैं। फीडबैक क्या है इसके लास्ट में? ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है पहले भी बता चुकी हूँ, हाईलाइट करवा चुकी हूँ, लेकिन जैसा कि बिज़नेस कम्युनिकेशन के बारे में तो बार बार कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो डेफिनेशन फिर इसकी बता दी थी मैंने, हाईलाइट कर दी है। तो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन क्या है, इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है किसका? वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज कौन से होते हैं? जो ज़बानी और गैर ज़बानी होते हैं, मतलब जो रिटन भी होते हैं, ओरल भी होते हैं, उनको रिसीव करने का और सेंड करने का ये एक प्रोसेस है। ये हमारे पास होगी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन इज़ कंसीडर इफेक्टिव व्हेन इट अचीव द डिजायर्ड रिएक्शन और रिस्पांस फ्रॉम द रिसीवर। ये कम्युनिकेशन क्या है अगर इस पर गौर किया जाए तो, ये कब अचीव होती है? जब डिजायर्ड रिएक्शन जो है वो हमें मिलते हैं फ्रॉम द रिसीवर। ठीक है, तो आगे है इसमें कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कितने वे से होता है, कितनी तरह से होती है? टू वे से होती है, पहले भी बता दिया मैंने, फिर से बता रही हूँ, हाईलाइट कर दी है। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने से कम्युनिकेशन होती है, टू वेज है ये इसके। ठीक है, उसके बाद आगे याद रखने वाली बात ये है कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ 6 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट है ये आपको नज़र आ रहे होंगे, हैज़ 6 कंपोनेंट। तो जो फर्स्ट वाला, यही जो हमने आउटलाइन पढ़ी है ना, यही 6 इसके कंपोनेंट है। तो वो कौन से? सेंडर, जिसे इनकोडर बोलते हैं, मैसेज, मीडियम, रिसीवर यानी डिकोडर, एंड फीडबैक। तो हम आपने इसमें से जो याद करने वाली चीज़ ना वो ये थी कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, कम्युनिकेशन कितने प्रोसेस से होती है, कितने वे से होती है, टू वे से होती है, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने से, देन इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, 6, इसके 6 कंपोनेंट है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दी, आपने याद रख लेने हैं। सॉरी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी जो आउटलाइन है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट होता है कि इसका मीनिंग क्या, मैं आपको बताती जाऊँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है ख्याल, किसी चीज़ का ख्याल। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमने किसी से कोई बात करनी है, पहले अपने माइंड को सेट करेंगे कि जी हमने ये वाली बात करनी है, या ये वाला मैसेज किसी को सेंड करना है, तो पहले ख्याल बनाएंगे ना, कुछ सोचेंगे तो फिर ही अगली बात करेंगे ना। एवं तो नहीं ना बेफजूल किसी को भी हम मैसेज कर देंगे, कोई बात भी ना हो। तो जी हम पढ़ते हैं, एवरी मैसेज वेदर ओरल या रिटन, कोई भी मैसेज चाहे वो ओरल है या रिटन है, बिगन विद कॉन्टेक्स्ट, किससे स्टार्ट होता है? किसी ख्याल से। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? इज अ ब्रॉड फील्ड। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इज अ ब्रॉड फील्ड। ब्रॉड का मतलब होता है वसी। ठीक है, फील्ड, कॉन्टेक्स्ट इज अ ब्रॉड फील्ड, ये एक वसी फील्ड है, डेट इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, कंट्री, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई। अब यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई क्या होती है ये मैं बता देती हूँ। कोई भी वर्कर है, आपने को और से समझना तो आपको समझ आ जाएगी। देखें, एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब मैं पहले भी बताया काफ़ी दफ़ा कि एक्सटर्नल होता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वर्क हो रहा हो, और इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई भी वर्क हो रहा हो। अब यहाँ पे इंटरनल स्टिमुलाई क्या होती है?
लेट्स सपोज हमने कोई वर्क करना है, कोई बिजनेस करना है. अब हम ये खुद से सोच रहे हैं, खुद से अकेले बैठ के सोच रहे हैं, अपनी ज़ात से सवाल कर रहे हैं कि जी अगर मैं ये काम करूँगा या करूँगी तो क्या इसमें लॉस होगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा. तो ये हम खुद से सोच रहे हैं, अभी खुद अपना माइंड बना रहे हैं. तो ये हमारा इंटरनल स्टिमुलाई हो गया कि हम खुद से सोच रहे हैं. एक्सटर्नल वो होता है कि अगर हम बाहर से किसी से मशवरा ले रहे हैं इस काम के लिए, तो वो होगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो इसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इंक्लूड होती हैं. तो बाकी ये सारा जो है इसमें बताया गया है, तो आपने रीड कर लेना, इतना ज़रूरी नहीं है. आगे जो है कॉन्टेक्स्ट की, अगर बाय चांस आपने जो है आपको कॉन्टेक्स्ट का आइडिया नहीं है और अगर आपने ये लेक्चर सुना हुआ है, तो आप इजीली अगर ये क्वेश्चन आता 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, तो आप ना बड़े अच्छे से इसको कर सकते हैं सेल्फ राइट. वो कैसे कर सकते हैं मैं भी आपको बताती हूँ. मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रही हूँ, आपने वो डेफिनेशन जो है ना अपनी हैंडबुक में जो है नोट कर लेनी है. तो अगर इसका क्वेश्चन आए व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट, तो आपने कहना द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट. कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें समथिंग हैपन, कुछ हुआ है और उसी की वजह होने से, उस कोई काम के होने की वजह से आप, वो आपको हेल्प कर रहा है कुछ समझने में, हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन लिख दी. मैं दोबारा से बोल देती हूँ, द सिचुएशन इन विच समथिंग हैपन एंड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट. नीचे आपने इसकी टाइप लिख देनी, देर आर 4 टाइप्स, कौन कौन सी, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, एपिस्टेमिक कॉन्टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट. ये आपने एक दफ़ा गूगल से इसकी टाइप सर्च कर लेनी है, ताकि आपको स्पेलिंग भी इसके अच्छे से याद हो जाए. तो ये आपका 2 या 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो डन हो जाएगा. इससे स्टूडेंट ये बुक में नहीं था बताया गया, मैं जस्ट आपके ना नॉलेज को बढ़ाने के लिए बताया. और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने लेक्चर सुना हो तो आप एक बार इसको, इस डेफिनेशन को सुनकर कंसेप्ट क्लियर करें और फिर खुद ही सेल्फ राइट कर सके पेपर में और अपना जो क्वेश्चन है वो डन करके आए. तो कॉन्टेक्स्ट के यही था, किस चीज़ का ख्याल बनाना, पहले माइंडसेट करना. तो मैंने इसके बारे में बुक वाला भी बता दिया है और इसके खुद से भी बता दिया आपके नॉलेज के लिए. तो चलिए इसमें यही था, और तो इसमें कोई चीज़ भी ज़रूरत नहीं है. अब सेंडर इनकोडर क्या होते हैं, सेंडर ऑफर्स करें आपने को मैसेज सेंड करना, तो आप क्या है सेंडर, और आपको इनकोडर के नेम से भी बुलाया जा सकता है. वाइल सेंडिंग ए मैसेज, जब आप मैसेज सेंड करते हैं, यू आर द इनकोडर, आप इनकोडर हैं, द राइटर और स्पीकर, डिपेंडिंग ऑन वेदर योर मैसेज इज रिटन ऑन ओरल. ये अगर आपने मैसेज करना है किसी को, ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है आपने उसे ओरल करना है या रिटन करना है, या सैम्पल कौन सी यूज़ करनी है, वर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं, ग्राफिक्स, ठीक है. तो इसमें लेटर, मेमो, टेलीफोन होते हैं. तो इसमें इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं थी, बस आपने ये इसमें देखना कि आप जो मैसेज कर रहे हैं वो आपने रिटर्न करना है या ओरल करना है या मेल करनी है या फिर किस तरह से, ठीक है. तो अगला आज मैसेज क्या होता है, मैसेज इज़ द मेन आइडिया डेट यू विश टू कम्युनिकेट. मैसेज क्या होता है, एक ऐसा ख्याल है, ऐसा ख़ास आइडिया है जिसमें आप विश करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है. तो इट इज़ ऑफ बोथ वर्बल, ये कौन कौन सी, दो तरह की होती है, वर्बल होती है, मतलब रिटन भी हो सकती है, स्पीक करके भी कर सकते हैं, बोल के भी, रिटन और स्पोकन सैम्बल एंड नॉन वर्बल होते हैं अनस्पोकन सैम्बल. अगर आपने किसी को मैसेज करना है पहले, तो आप यही वही बात है जो मैं ऊपर बता के आई हूँ, कि अगर आपने किसी को कोई मैसेज करना है तो देखें, फर्स्ट डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट योर मैसेज, पहले आप ये फैसला करें कि आपका मैसेज क्या है, ठीक है. आल्सो कंसिडर, और इस बात पर भी गौर करें कि द रिसीवर ऑफ़ योर मैसेज, कि आपके मैसेज को रिसीव करने वाला है कौन, किसको आपने मैसेज रिसीव करवाना, ठीक है. यू मस्ट आल्सो कंसिडर योर कॉन्टेक्स्ट एंड योर रिसीवर एज वेल. तो जो आपका है ये भी आपने मस्ट कंसिडर कर लेना है कि आपका जो कॉन्टेक्स्ट है और रिसीवर जो है वो वेल होना चाहिए, ठीक है, एज वेल. हाउ योर रिसीवर विल इंटरप्रेट योर मैसेज एंड हाउ इट मे अफेक्ट योर रिलेशनशिप. तो ये था मैसेज में बस, और तो इसकी कोई खास चीज़ नहीं, कि आपने पहले डिसाइड करना है आपका मैसेज जो है वो क्या है और गुड वेल होना चाहिए, ठीक है. नीचे आज मीडियम एंड चैनल, इट मीन द वे टू बी यूज टू सेंड योर मैसेज. इसकी फर्स्ट लाइन से क्लियर हो गया ये सारा टॉपिक, कि इट मीन इसका मतलब क्या है, द वे वो मेथड या वो तरीका का टू बी यूज जो आप इस्तेमाल करते हैं टू सेंड योर मैसेज, अपने मैसेज को सेंड करने का. यू कैन चूज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब आपने अगर किसी को मेल करनी है या आपने फेस टू फेस कन्वर्जेशन करनी है या फिर आपने जो है एक्सटर्नल या इंटरनली तौर पर बात करनी है, तो ये होगा इसमें, ठीक है. और यहाँ ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ, आपने रीड कर लेना. बाकी है, बेस्ड ऑन रिसर्चर द फॉलोइंग आर सम ऑफ करेक्टिसिटी
फाउंड इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अगर हम रिसर्च के तौर पर देखा जाए तो जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खसूसियात हैं जो कि ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में पाई जाती हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें इसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा। ओरल कम्युनिकेशन होगी तो क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक्स होंगी, और अगर रिटन कम्युनिकेशन करेंगे तो फिर क्या होगी। ठीक है, ये देखिए मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इसी वजह से किए हुए हैं कि आपको समझ आ जाए जो मेन टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये शॉर्ट लेक्चर्स की मैं वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट लेक्चर्स का पता है ना आपको, टाइम भी ना वेस्ट हो, आपका जो लेक्चर है वो भी आपको समझ हो जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ जी ये चीज़ें इसमें ये करने वाली हैं। ठीक है, वैसे भी यूट्यूब पे और भी बहुत सारा वीडियो पड़ी होंगी, लेकिन ये मैं ज़्यादा यही होता है कि थोड़े टाइम में मैं आपको सारा कुछ क्लियर करवा दूँ। हाँ जी, तो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन क्या, द ओरल कम्युनिकेशन ब्रिंग बैक इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, इसका जो फीडबैक होता है वो हमें जल्दी मिल जाता है ओरल कम्युनिकेशन में। ठीक है, इट हैज़ अ कन्वर्जेशनल नेचर। कौन सी नेचर होती है इसकी, कन्वर्जेशनल विद शॉर्टर वर्ड एंड सेंटेंसेस, और इसमें वर्ड जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं और सेंटेंस भी। ठीक है, ये एक फ़ायदा हो जाता है। इट स्ट्रेस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशन, ये इंटरपर्सनल रिलेशन जो होता है उस पर स्ट्रेस करती है। दिस मीडियम नीड्स लेस टेक्निकल डिटेल, कुछ सिस्टम होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए होती है, लेकिन इसमें क्या होता है ओरल में कि आपको ना बहुत सी लेस टेक्निकल डिटेल मिलती है इसमें, इसमें लेस टेक्निकल डिटेल की ज़रूरत होती है। तो इट्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर आर सिंपल, और इसका ये सबसे इजी वाला जुमला है सेंटेंस है, क्या इसका जो सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। तो आपको ये पेपर में पूछा जा सकता है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं जो हम फाउंड इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपने ये ओरल कम्युनिकेशन में ये कर लेनी है, और रिटन की बात कर लेते हैं। दिस मीडियम इज़ मोर फॉर्मल विद फोकस ऑन कॉन्टेंट, ये मीडियम जो होता है बहुत फॉर्मल होता है अगर हम फोकस करें कंटेंट्स पर। ठीक है, इट कैन कन्वे एनी अमाउंट ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सो इजी, इट इज़ बेस्ट फॉर परमानेंट रिकॉर्ड, किसी चीज़ मुस्तकिल रिकॉर्ड के लिए ये बहुत बेस्ट है। दिस मीडियम यूज़ लॉन्गर वर्ड एंड लॉन्गर सेंटेंसेज, उसमें क्या था शॉर्टर वर्ड थे और शॉर्टर सेंटेंसेज थे। ठीक है, ओरल में, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दिस मीडियम यूज़ लॉन्गर वर्ड्स एंड लॉन्गर, इसमें तवील वर्ड्स जो हैं और सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। इट ब्रिंग डिलाइट फीडबैक, ठीक हो गया। तो यह आपने इनका ना थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, ईजी है। तो चलें, आप पहले भी मैं बताया इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये आपने एक बार देख लेनी है। इंटरनल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया इंटरनल कम्युनिकेशन, और एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ सेंडिंग मैसेज आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हाईलाइट मैंने अच्छे से इसलिए किया हुआ है कि इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंस है, कि एक्सटर्नल इंटरनल का पता चल जाए आपको। बाकी ये वही चीज़ है कि फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन रिटन मीडिया में भी मेमो रिपोर्ट, ब्लू ब्लाइंड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, पोस्टर नोट्स, इम्प्लॉइज, इस सब में हो सकता है। फिर ओरल कम्युनिकेशन में टॉक द फॉर्म ऑफ स्टाफ मीटिंग रिपोर्ट, फेस टू फेस डिस्कशन, जो कि हम सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं सेकेंड लेसन में। ठीक है, कि अच्छा एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन मीडिया में भी लेटर, रिपोर्ट, टेलीग्राम, ये सारा आपके खुद रीड करने वाले, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अहम अहम चीज़ें थी ना वो मैंने सारी स्टूडेंट्स हाईलाइट कर दी हैं, उसको आपने देख लेना। अब लास्ट वन रह गया है रिसीवर, सॉरी लास्ट वन नहीं है, लास्ट वन है फीडबैक। रिसीवर यानी जिसे डिकोडर कहते हैं, आप रिसीवर वो होता है जिसको आपने मैसेज सेंड किया, आप सेंडर हैं, अगला बंदा जो है उसको रिसीव करने वाला वो होता है रिसीवर, उसको डिकोडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो द रिसीवर ऑफ योर मैसेज इज़ योर रीडर और लिसनर, आपने जिसको मैसेज सेंड किया वो आपका क्या है रीडर है, और लिसनर आपको सुनने वाला भी। ही मे बी इन्फ्लुएंस बाय द कॉन्टेक्स्ट and by the external and internal stimuli. The receiver likes and receives message through the eyes and ears, but is also influenced by non-verbal factors such as physical environment, physical appearance, body movement, voice quality, touch, taste and smell. ये इसका मतलब ये था कि आपने अपना मैसेज रिसीव जो रिसीवर है उसने हर लिहाज से इसको देखना है, रिटर्न फॉर्म में भी, उसकी वॉइस क्वालिटी में भी, या फिर इसका टेस्ट एंड स्मेल, मूवमेंट, लाइक जिस टाइप से वह अपना मैसेज सेंड करना चाहते हैं और उस अकॉर्डिंग से। ठीक है,
all factor of a message are filtered through the receiver view and experience in the work. Therefore, miscommunication can occur when personal basis and individual value cause the receiver to misinterpret the sender internal message. अब मिसकम्युनिकेशन कब अकर होती है, कैसे अकर हो सकती है, वन पर्सनल बाइस एंड इंडिविजुअल, ये इसका आंसर है सारा, ठीक है. वैल्यूज कॉज द रिसीवर टू मिस इंटरप्रेट द सेंडर इंटरनल मैसेज. तो ये था इसमें रिसीवर. इसमें कुछ भी इतना ख़ास नहीं था, बस ऐसा आपके माइंड को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है. अब सो लेक्चर सुन के आपको समझ आ गई होगी. आगे लास्ट वाला है फीडबैक. फीडबैक क्या हो सकता है, कैन बी ऑर्डर और रिटर्न. सिंपल है, ऑर्डर भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो बी एन एक्शन. एक एक्शन भी हो सकता है, कोई अमल भी हो सकता है, रद्द अमल हो सकता है, ठीक है. सच एज रिसीविंग द मेल, जैसा कि कोई मेल रिसीव करना है, और एन आइटम, कोई ऐसी आइटम यू कैन ऑर्डर जो आपने ऑर्डर की हो. समटाइम साइलेंस इज यूज एज फीडबैक. साइलेंस जो होती है बाज़ूकात किसके तौर पर यूज़ होती है, फीडबैक के तौर पर. इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल, अगरचे ये इतनी ज़्यादा मुफीद नहीं है, यूजफुल नहीं है. सेंडर नीड फीडबैक इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन. सॉरी, ऑर्डर टू डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कम्युनिकेशन. तो ये था फीडबैक बस, और इसमें कोई भी खास चीज़ें नहीं है. देखिए, ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, इसके बारे में मैंने बता दिया है, ये आपने याद रखना है. उसके बाद जो हाईलाइट चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है. तो इंशाल्लाह आपका ये तो लेसन जो है बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा. तो आप इसमें क्विज भी कर सकते हैं. सब तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन नंबर 4. उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मतलब मेरी ये लेक्चर की वीडियो अच्छी लगी होगी. तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि मेरे हर आने वाले नए लेक्चर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. Students, take yourself home.